पिछले 8 दिनों से काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चौक से लापता छात्र समीर कुमार का सुराग नहीं मिलने से नाराज परिजन शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार से मुलाकात कर जल्द ही लापता छात्र समीर कुमार की बरामदगी की गुहार लगाई। वही परिजन ने बताया कि 27 अगस्त की दोपहर में समीर किसी काम से घर से निकला, जो आज तक घर नहीं वापस आया, जिसकी तलाश को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस की शीतल गति के कारण आज 8 दिन हो गए, लेकिन छात्र की बरामदगी नहीं हो पाई है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चले तो दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करें। कुत्ता गायब हो गया जी, स्कूल जाने के क्रम में, मतलब कोचिंग जाने के क्रम में निकला और वो एक सीसी कैमरा में मतलब नजर आ रहा है, उसका भी फुटेज जो है थाना को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है इसमें? वो अभी तक 8 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई वापसी का आती नहीं है। वो रंजिश भी है क्या किसी से? ऐसे गांव में रंजिश तो नहीं है, लेकिन ऑडियो वायरल हुआ था उसके 3-4 दिन के बाद, जो पुलिस को भी सुपुर्द कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे पुलिस जा करके वहाँ से चाय टीचर लौट आए, आ जाए हैं आईजी के पास, कैब साहब के यहाँ आए थे जी के गुहार लगाने के लिए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो होता तो